गाइस हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और सुबह का टाइम है, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हस्बैंड जाने के बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं चाय पीती हूँ सबसे पहले, और दूध की मलाई वगैरह उतारती हूँ, दूध ट्रांसफ़र करती हूँ दूसरे बर्तन में, और फिर दूध वाले भैया आते हैं, उनका दूध वो दूध वगैरह दे के जाते हैं, उन्हें गर्म करती हूँ। तो उसके बाद जो है युग भी उठ गया था, और आजकल मैं इसे जल्दी ही उठा देती हूँ क्योंकि स्कूल जाना है इसे अप्रैल से, तो आदत बनी रहेगी। और सुबह सारा फ्रेश वगैरह कर देती हूँ जिससे कि स्कूल में भी ये हैबिट इसको बनी रहेगी, रूटीन इसका। तो उसके बाद जो है मैं अपना बेड जो है क्लीन करती हूँ, जो बेडरूम है उसकी जो है उसका जो बेड है उसको अच्छे से झाड़ती हूँ। और ये वाइट कलर का जो दिख रहा है आपको, ये मैट्रेस प्रोटेक्टर है, और इसकी जो बेडशीट है वो मैंने चेंज की है, 2-3 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। और कभी कभी जो है ना, आजकल थोड़ी सी ठंड हो रही है बारिश के बाद, तो कभी कभी युग सुसु कर देता है, वरना वो नहीं करता है। अगर उसको रात को करा के सुला देती हूँ तो कभी कभी करता है, हमेशा नहीं करता है, तो इसलिए 2-3 दिन में तो चेंज कर ही देनी चाहिए बेडशीट, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। और इस तरीके से मैं चारों कोने से दबा देती हूँ, और यहाँ पर युग जो है मेरे साथ साथ रहता है जो भी मैं काम करती हूँ। और ये देखिए बनाना, देखिए इसको इतनी मुश्किल से, मतलब एक एक छोटी छोटी बाइट करके खा रहा है। मैंने सारा काम कर लिया था तब तक भी इसके हाथ में केला था, तो बस इसको चारों तरफ से मैं दबा के कोनों को, और बस कॉम्ब की हेल्प से इसको अच्छे से दबा देती हूँ चारों तरफ से। और इस तरीके से ये देखिए मैं दबा भी रही हूँ, और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे मार्केट भी जाना है और घर का भी काफ़ी सारा काम है, राशन है, तो राशन का भी सारा सामान जो है मुझे डब्बों में डालना है। तो ये देखिए अब बस जो है मैंने कवर भी चढ़ा दिए हैं तकिए पर, और ये कवर जो है ना इसके मैचिंग नहीं है क्योंकि बेडशीट अलग ली थी, तो किसी तरीके से यही मैच करके मिले थे, तो ये रंग फेडेड लग रहे हैं, बट ये ऐसे नहीं थे, ये शुरू से ही ऐसे हैं, ये फेडेड नहीं है इनके पिलो कवर। तो फिर मैं डस्टिंग करती हूँ बेड को झाड़ के, बेडरूम की जो भी चीज़ें होती हैं, टीवी वगैरह, तो इधर ड्रेसिंग टेबल है मेरा तो उसे क्लीन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद ड्राइंग रूम को और बाकी जगह करती हूँ क्लीन सारी डस्टिंग वगैरह, और फिर जो है मैं झाड़ू लगाने जाती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी बालकनी से, और तोले वगैरह सारे टांगने होते हैं ऊपर तार पे जो हस्बैंड नहा कर जाते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से अंदर जाती हूँ। ये देखिए बालकनी से मैं अंदर आ गई हूँ, और धूप भी निकल गई थी, आजकल तो सब कुछ जल्दी हो जाता है, दिन भी लंबे हो गए हैं क्योंकि गर्मी आ गई है। और मैंने बेडरूम में बीच में भी लगाती थी झाड़ू, तो बीच का तो नहीं दिखाया, और यहाँ पर ये लास्ट में मैं आती हूँ। सो डेली झाड़ू लगती है तो इतना कूड़ा तो निकलता नहीं है, तो बस फिर इधर से इधर ही कूड़ा इकट्ठा करके फिर मैं इसको उठा लेती हूँ। और ये देखिए इसका केला देख रहे हो आप, अभी भी इसके हाथ में है। सारी मेरी क्लीनिंग हो गई है और झाड़ू भी हो गए, बस इसके बाद पोछा लगाऊंगी और उसके बाद जाऊंगी किचन में कुछ खाने के लिए बनाने के लिए। तो युग के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन का घोल बनाया है, नमक मिर्च डाला है इसमें, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि युग के लिए बना रही हूँ। तो घोल बनाया है कि ब्रेड रखी हुई थी तो ब्रेड में जो है मैं, और आज आलू गोभी की सब्जी बनाई थी तो बस वही इसमें अंदर भर के, और इसके लिए एक ब्रेड पकौड़ा बना दूंगी। और मतलब एक ब्रेड, दो ब्रेड को मैं 4 पीसेस में कर दूंगी जिससे कि इसको उठाने में आसानी हो, छोटे छोटे पीसेस स्क्वायर में। तो ये मैंने सब्जी डाली है यहाँ पे और उसको अच्छे से मैश कर लिया है हाथों से ही। तो और ये देखिए यहाँ पर मैं काट रही हूँ इस कटर से, पिज़्ज़ा कटर से, तो ये देखिए 4-4 बना लिए मैंने एक ब्रेड के पीस के, तो इससे फॉक से मैं अच्छे से और मैश कर रही हूँ, और इस तरीके से मैं भर दूँगी और दूसरी ब्रेड इसके ऊपर लगा दूँगी। तो बच्चे को अलग अलग तरीके की चीज़ें देते हैं ना, वैरायटी देते हैं खाने में, तो बच्चे का मन करता है फिर खाए, मतलब खा लेता बच्चा, तो इसको बहुत पसंद आए थे ये। और ये मैंने रख दी है ट्रे, खाली हो गया है, इतने आलू थे कि इसके चारों ये भर गए हैं, और इसमें से इसने सारे नहीं खाए थे, बस 2 पीस ही खाए थे, बाकी इसको जो है इसके बाद में जो बनाऊंगी इसने वो खा लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से घोल में मैं डाल के और कढ़ाई में इस तरीके से डिप करके डाल दिया है,
तो बाहर की चीज़ें खिलाने से अच्छा बच्चों को अगर आप घर की ही चीज़ें खिलाएं तो बढ़िया है। और मेरे बेटे ने आज तक पिज़्ज़ा नहीं खाया है, ना ही हमने खिलाया है। हम ऐसी चीज़ें अभी से ट्राई करते ही नहीं है इसको खिलाने की कि इसको हैबिट हो, ये हमसे मांगे। तो इसलिए बड़े होके तो खाना ही है, सब पता ही चल जाना है स्कूल में जाके बाकी बच्चों के साथ। तो ये मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ घर की चीज़ें खाए ये। और थोड़ी चेंज हो जाती है ना, रोज़ रोटी रोटी खाएगा बच्चा तो बोर हो जाता है, बच्चा भी, हम ही बोर हो जाते हैं तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से बस पूरा दिन घर का काम चलता रहता है। और ये मैंने जो है, मेरे नैपकिन्स ख़त्म हो चुके हैं और राशन में मैं लाना भी भूल गई, जबकि राशन आ चुका है। आपको दिखाया था ना मैंने, मोर गए थे हम सेक्टर 7 में जो है, तो बस इनको जो है मैं निकाल दूंगी। गैस मैंने पहले ही ऑफ़ कर दी थी क्योंकि तेल कुछ देर तक गर्म रहता ही है, तो ये सिक रहे थे। और तब तक मैंने और काम किया, तो मतलब किचन में ही और काम किया। तो बस ये निकाल लिए हैं मैंने, और अब जो है ये तेल तो रखा ही था। और मैंने वैसे रोटी बना के दी थी हस्बैंड को, रोटी का ही आटा है, बट मेरा मन किया कि आज मैं पूरी खाती हूँ, तो ये तेल भी वैसे भी रखा हुआ था कढ़ाई में। गुजिया वगैरह बनाई थी ना मैंने, दही बल्ले बनाए थे, आपको पता है ना होली पर मैंने बनाए थे, रेसिपी शेयर की। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, जिनको रेसिपी देखनी है भल्ला पापड़ी की। तो ये देखिए मैंने पूरी बना दी है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मतलब पूरी का आटा ना हो तो पूरी बन ही नहीं सकती, पूरी बन जाती है अगर आपने पतला आटा भी गूंथा है रोटी वाला। तो अब जो है ना मेरा मन किया कि मैं भी थोड़ा सा कचौड़ी टाइप बनाऊं, और मैंने जो है आटे में और आलू भर दिए हैं, और कचौड़ी मेरे को खानी थी तो ये मैंने खाया। कभी कभी मन कर जाता है, और वैसे भी मेरे को चटपटी चीज़ें बड़ी पसंद है तो मैं नहीं खाती हूँ आजकल। तो आज मेरा मन कर गया तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तेल तो है ही कढ़ाई में, वरना स्पेशली तेल वगैरह डालो कढ़ाई में तो सोचना पड़ता है, बट तेल कढ़ाई में ऑलरेडी था तो मैंने बना लिए इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं बेल लेती हूँ इसको चारों तरफ से, कोने मतलब मिला के और अंदर आलू भर के। देखिए एक बन चुकी है मेरी, वही दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए अब मार्केट चलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फरीदाबाद ब्लॉगर चित्रा, कैसे हो आप सब। सो आज है 12 मार्च, थर्सडे है। सारा काम मेरा हो गया है घर का, और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि कल मैं बना ही नहीं पाई व्लॉग। लाइट नहीं थी तो फ़ोन भी चार्ज नहीं था, तो इसलिए, और इन्वर्टर का मतलब यहाँ पे कनेक्शन है नहीं जिससे चार्ज होता है, तो इसलिए मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। और दूसरी बात कि अब मैं जो है रेडी हो गई हूँ नहा धोकर, और मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ी देर के लिए। और आज मैंने ना लाइव जाना है, अब देखो कितने बजे टाइम मिलता है, सुबह से मेरे को टाइम नहीं मिला आप लोगों से बात करने का। आज मुझे नहाते नहाते देख लो शाम हो गई है, तो कभी कभी ऐसा भी दिन चला जाता है कि नहाते नहाते शाम हो जाती है, मतलब नहाने को इतना लेट हो जाता है, इतना काम हो जाता है घर में। सारा तो नहीं दिखा पाई आपको, बट आज बहुत काम था। और जो राशन लेकर आए थे वो भी सारा मैंने अरेंज किया था, डब्बों में डाला था वो सब। और मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसका मेरे को वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, तो वो मेरे को ठीक कराना है, और एक टेलर के पास भी जाना है। तो चलिए मार्केट चलते हैं, फिर देखती हूँ आगे लाइव जाती हूँ, जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। चलिए फिर शाम में मिलती हूँ आपसे वापस आके। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए, उसके बिना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और बिल्कुल फ्री होता है ये। तो चलिए मार्केट चलते हैं। वापिस आ गए हैं, और ये देखो युग जो है ना ऑटो खरीद के लाया, कितना प्यारा ऑटो है ये इसका कितना क्यूट सा लग रहा है ना, क्यूट सा ऑटो, ये देखो कितना प्यारा ऑटो है इसका ये। और इसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी लाए थे, ये मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, अभी लेकर आए थे इसके लिए। सो एक हेलीकॉप्टर लाए इसके लिए, पहले जो था ना इसके पास वो था लाइट्स वाला होता है ना, कि सेल वाला होता है बैटरी वाला,
ऑन कर देते हैं अपने आप घूमता है, लाइट्स ऑन होती हैं, जो मैंने आपको एक बार दिखाया था वो मम्मी ने दिया था, इसकी नानी ने। तो ये मैं जो है ना चाबी वाला लेके आई हूँ, जिससे कि ये घुमाता रहे। इसका जो एक था पहले वो टूट गया, इसको बड़ा शौक है हेलीकॉप्टर का, देखो अच्छा लग रहा है इसको आज बाहर घूम के। अब मैं सोच रही हूँ इसको बाहर घुमाया करूंगी, ऐसे ही पार्क में ना ले जाके बाहर भी घुमा दूँ तो भी इसको बहुत अच्छा लगता है। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। मैं भी थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लाइव आप लोगों से चैट करने के लिए, सो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।